सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा के बारे में जो कि आने वाली 26 और 27 तारीख को पड़ रही हैं। कार्तिक की पूर्णिमा जो है अब की बार 26 27 से दो दिन हो रही है क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है 26 तारीख को दोपहर को 3:54 पर प्रारंभ हो रही है और इसकी समाप्ति 27 तारीख को दोपहर को 2:46 पर हो रही है। तो क्योंकि पूर्णिमा तिथि में जो है रात्रि का ही महत्व है तो व्रत की पूर्णिमा जो है वो 26 तारीख को की जाएगी और स्नान व दान की जो पूर्णिमा है वो 27 तारीख को रहेगी क्योंकि 27 तारीख को पूर्णिमा जो है 2:45 बजे समाप्त हो जाएगी और रात फिर उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी तो पूर्णिमा का महत्व समाप्त हो जाएगा। तो इसी वजह से पूर्णिमा जो है 26 तारीख को ही व्रत की पूर्णिमा की जाएगी और 27 तारीख को स्नान और दान की, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन जो है स्नान और दान का बड़ा महत्व है। किसी पवित्र नदी सरोवर या कुंड में जाकर स्नान करना चाहिए, उसका कई गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है और उसके बाद जो है दान की जो क्रिया है दान जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन दान का बड़ा महत्व कहा गया है। पूर्णिमा तिथि है ये, इस दिन जो है चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होता है क्योंकि चंद्रदेव का ये दिन है और इस दिन चंद्रमा के साथ माता लक्ष्मी जी के साथ और भगवान विष्णु नारायण जी की पूजा की जाती है। इसे जो है देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं कि देव ऊपर से नीचे दिवाली मनाने भी आते हैं। इस दिन जो है वाराणसी में सभी मंदिरों को व घाटों को सजा दिया जाता है, वहाँ दीवे जलाए जाते हैं, रोशनी कर दी जाती है क्योंकि ये देवताओं की दिवाली जो है इसी दिन होती है कार्तिक की पूर्णिमा पर। और सिखों के पहले गुरु गुरु नानक जयंती मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा पर क्योंकि गुरु नानक जी का जो है जन्म हुआ था इस पूर्णिमा पर। साथ ही जो है कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी ने इस दिन मत्स्य अवतार भी धारण किया था धरती को पड़ले से बचाने के लिए, यानी कि जल पड़ले जब आई थी तो धरती को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार धारण किया था। और इसी दिन भगवान शंकर जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का भी वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो इस दिन शाम के समय दीपक जलाए जाते हैं इसलिए इसे देव दिवाली कहा जाता है। इस दिन शिव योग बन रहा है और शिव योग में स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, कई गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन जो है सफ़ेद चीज़ों का दान करना बहुत शुभ कहा गया है। इस दिन आप चांदी चावल या एक कटोरी खीर बनाकर ब्राह्मण को मंदिर में दान कर सकते हैं, शंख या चांदी भी दान कर सकते हैं क्योंकि सफ़ेद रंग का वस्तु का दान बहुत अच्छा है, कोई सफ़ेद कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार जैसा भी हो, या चावल खीर कुछ भी आप जो है दान करना चाहिए क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो चंद्रमा के लिए इस दिन आप उपाय कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जो है मन का कारक है और मन यदि परेशान होगा तो व्यक्ति किसी भी काम को सहजता से नहीं कर पाएगा क्योंकि मन परेशान होने से वो भटकेगा तो काम में नहीं लगेगा, इसलिए तो चंद्रमा को जो है कुंडली में किसी की भी कुंडली में मन का कारक कहा गया है। तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपनी कुंडली में इस दिन चंद्रदेव से जुड़े हुए उपाय कर सकते हैं। शाम के समय जिस समय चंद्रदेव उदय हो रहा हो उस समय एक लोटे में जल लेकर थोड़ा सा एक दो चम्मच कच्चा दूध मिलाकर उसमें थोड़ी चीनी डाल सकते हैं, चीनी या कुछ मीठा गेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है जब चंद्रदेव निकल रहे हों तो उनके मंत्र को पढ़ते हुए उन्हें आप अर्घ्य दे सकते हैं। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र आप 5 बार पढ़ सकते हैं या 11 बार पढ़ सकते हैं। ऐसा करते हुए आप उन्हें देखते हुए जल दें और मंत्र को पढ़ें। और इस दिन चंद्रमा के मंत्रों के साथ साथ जो है भगवान नारायण और लक्ष्मी जी माता की पूजा होती है तो श्री सूक्तम लक्ष्मी सूक्तम का पाठ आप कर सकते हैं, विष्णु सूक्तम, भगवान नारायण की 40 मंत्रों का जप कीजिए, माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। यदि धन संबंधी कोई समस्या आपको आ रही है तो वो भी इस दिन उपाय बड़ा अच्छा है क्योंकि धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए
माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करना, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करना, और माता लक्ष्मी जी की जो आरती है चालीसा पढ़ सकती है, जिससे आपकी जो परेशानी चल रही है जीवन में वह सब धीरे धीरे दूर हो और आपको जो है धन लाभ हो। क्योंकि पूर्णिमा तिथि अपने आप में बड़ी खास होती है, इस दिन करे हुए उपाय जो है आपको कई वर्षों तक आपको लाभ देते हैं, तो ये बहुत अच्छा दिन है कार्तिक पूर्णिमा का। तो आज आपने जाना कार्तिक पूर्णिमा के बारे में, हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी लोग इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।